नमस्कार भव्यश्री न्यूज समय नुपुर। बहुत दुख के साथ आपको सूचित कर दे कि मध्य प्रदेश के राज्यपाल लालजी टंडन का निधन हो गया। वे 85 वर्ष के थे। निधन की जानकारी उनके सुपुत्र आशुतोष ने ट्वीट कर यह दुखद संदेश देश को पहुंचाया। लिखा, बाबूजी नहीं रहे। लालजी टंडन काफी दिन से अस्वस्थ चल रहे थे। इसी कारण उत्तर प्रदेश के राज्यपाल आनंदी बेन पटेल मध्य प्रदेश का भी अतिरिक्त कार्यभार की जिम्मेदारी संभाल रहे थे। 11 जून को लालजी टंडन की सांसों की गति में असुविधा होने लगी थी। यूरिन में परेशानी और बुखार के कारण गंभीर स्थिति महसूस करते हुए परिवार ने उन्हें लखनऊ के वेदांता अस्पताल में भर्ती कराया था। 13 जून को ऑपरेशन भी हुआ और उनकी नाजुक स्थिति देखते हुए उन्हें वेंटिलेटर पर भी रखा गया। वो 2 दिन बाईपैप मशीन पर रहे। डॉक्टरों ने चिकित्सा में कोई कसर नहीं छोड़ी, मगर डायलिसिस के कारण उनका लीवर कमजोर पड़ गया और वे हर दिन दुआओं पर चलने लगे। यह जानकारी वेदांता अस्पताल के निदेशक डॉक्टर राकेश कपूर ने दी थी और कहा था कि स्थिति गंभीर होने के कारण उन्हें फुल सपोर्ट पर रखा गया है, लेकिन अफसोस की लाख कोशिशों के बावजूद उन्हें बचाया नहीं जा सका। और उनके सुपुत्र ने आज यह दुखद खबर 7:20 पर ट्वीट के जरिए दिया, बाबूजी नहीं रहे। लालजी टंडन के चाहने वाले परिवार व देश सदमे में है, लेकिन समय की गति से भला कौन जीता है। जो आया है उसे तो जाना ही होगा हर हाल में। लालजी टंडन अपनी जिम्मेदारी निभाकर कभी खत्म न होने वाला अपना परिचय छोड़ गए। दुनिया सदैव उनको याद करती रहेगी। हर किसी के जीवन में यह दिन आना है जब सांसें रुक जाएंगी और समय बोल पड़ेगा, चल उड़ जा रे पंछी, कि ये देश हुआ बेगाना। ईश्वर उन्हें शांति प्रदान करे एवं उनके परिवार को आत्मबल दे। हम भव्यश्री परिवार एवं भारतवर्ष की तरफ से उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। धन्यवाद।